26 न्यूज से अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं नायला मीर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में जुडिशियल कम्प्लेक्स पेश करने का मामला अडियाला जेल पुलिस ने मुआजरत कर ली। तफसीलात के मुताबिक जज अबुल हसन अजुल कनैन खसूसी अदालत इस्लामाबाद में साइफर केस की समाअत कर रहे हैं। चेयरमैन पीजीआई के वकील सलमान सफदर के साथ एफआईए प्रोसिक्यूटर शाह हावर भी अदालत में मौजूद हैं। इस हवाले से अडियाला जेल के हुकाम ने अदालत में रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि चेयरमैन पीजीआई को अदालत में पेश नहीं कर सकते। इस्लामाबाद पुलिस को इजाफी सिक्योरिटी के लिए खत लिखा है, उन्हें संजीदा सिक्योरिटी खदशात हैं। इस मौके पर वकील सलमान सफदर का कहना था कि उम्मीद थी चेयरमैन पीजीआई को पेश करेंगे, मुझे कुछ तहवजात थे कि हम बहुत जल्दी में चल रहे हैं। 23 नवंबर को अदालत ने चेयरमैन पीजीआई और शाह महमूद कुरैशी को तलब किया था। सलमान सफदर ने कहा कि अदालत ने हुक्म दिया था चेयरमैन पीजीआई को आइंदा समाअत पर पेश किया जाए। हम कहते रहे इन हालात में फर्द जुर्माइद न करें, हमें कहा जाता था कि हुक्म इम्तना है तो दिखा दें। दूसरी तरफ इमरान खान की बहनें और शाह महमूद कुरैशी की बेटी भी अदालत में मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून ने आइंदा इंतखाबात के लिए 35 रुकनी मरकजी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने मरकजी पार्लिमानी बोर्ड की मंजूरी दे दी और नवाज शरीफ की मंजूरी पर चेयरमैन सेंट्रल इलेक्शन सेल इसाकदार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मरकजी पार्लिमानी बोर्ड में इसाकदार ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज समेत मुल्क भर से अरकान शामिल किए गए हैं। नून लीग का मरकजी पार्लिमानी बोर्ड इंतखाबात में उम्मीदवारों को पार्टी टिकट देने का फैसला करेगा। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज डॉलर की कीमत में मामूली कमी हो गई। दूसरी जाने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई तारीख रकम कर दी। कारोबार के आगाज पर डॉलर 11 पैसे सस्ता हो गया, जिसके बाद डॉलर की कीमत 285 रुपए 53 पैसे हो गई। दूसरी जानब सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने पर स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज किसो इंडेक्स में 803 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंडेक्स मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 60,615 पॉइंट्स पर पहुँच गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज़।